अभी हाल ही में उन्होंने मेरी जो फिल्म में गाना गाया था मैं हसीन अमीना से साकी से, वो गाना बहुत हिट हुआ था और मैं बहुत ही खेद प्रकट करता हूँ मेरे पूरे घर परिवार की तरफ से, और खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी रूह को सुकून और सुकून मिले, और बहुत दुख हुआ मुझे सुन के। मोहम्मद अजीज़ साहब यानी मुन्ना अजीज़, और वो अपने आप में मोहम्मद रफ़ी के जाने के बाद उन्हें मोहम्मद रफ़ी कहा जाता था, ये मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि हवाई जहाज से उतरे और उन्हें दिल का दौरा पड़ा, तो उनका जो पूरा परिवार है, उनका जो फैमिली है, वो इस समय बहुत शौक में होंगी। मैं अल्लाह से बहुत दुआ करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इससे ज़्यादा क्या संगीत की दुनिया में ये लॉस है, कि ये वो आवाज़ें हैं जिन्होंने संगीत को बहुत लंबे समय तक जिंदा रखा। ये आर्टिस्ट मैं नहीं लेके आया था कलकत्ता से, मंजू जी बहुत ही अच्छा सिंगर था, ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर। ही सैंग गिरफ्तार विद अमिताभ बच्चन स्टारर, ही सैंग फॉर प्यार हमारा अमर रहेगा मिथुन चक्रवर्ती, जयाप्रदा पद्मिनी कुल, एजी नारी रला का पिक्चर में जो हिट गाना मैं बोल रहा हूँ, हत्या, अभी गोविंदा आए थे गोविंदा का पिक्चर मैं प्यार का पुजारी हत्या, वो भी मुन्ना ने गाया था, मुंबई, वेरी गुड सिंगर। जो लॉस हुआ तो लॉस हुआ ही, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हो गया, एंड गुड ह्यूमन। याद तो करेंगे, देखो सिंगर कंपोजर कभी मरता नहीं, इसका गाना ही पूरा जिंदगी चले जाते, इसके लिए अच्छा सिंगर बनिए, अच्छा संगीतकार बनिए, उनका गाना चलते ही रहते, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कल भी जाना है। बहुत दुखद टाइम, बहुत दुखद था बात, लेकिन दुख सबको, हम लोग सबको दुख है, दादा को भी होगा, मुझे भी बहुत है, सबको, बहुत पूरी फ्रेटर्निटी को है, म्यूजिक। आई पर्सनली बिलीव कि यू नो वी हैव लॉस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, एंड ऑफकोर्स उनकी उनके परिवार को मैं खूब खूब श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, और ये हमारे इंडस्ट्री के लिए चाहिए।